अब खबर रायपुर से है, जहां नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूर्ववर्ती समेत भावी क्षेत्र के गांवों में रहने वाले आदिवासी युवकों को प्रदेश के विकास से रायपुर भ्रमण कराया गया। बता दें कि मन में शोषण के भाव को दूर करने के आ रहे इस भ्रमण की सतर्कता आदिवासी युवाओं के कलेक्टर की इच्छा से सिद्ध होती नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सल प्रभावित आदिवासी युवाओं से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान आदिवासी युवाओं के मन में जो शोषण के प्रति भ्रम फैला रखा गया है, गलत है, ये खत्म होनी चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि नक्सलियों ने को मौत के घाट उतारा है, उन सबका हिसाब कौन देगा। रायपुर की रिपोर्ट। वर्ती जिसको तथाकथित तौर पर रहता था और 40 सालों के बाद वहां पर तिरा है। अभी अभी हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे हैं और सुरक्षा बल के जिसके सारे आयाम वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे पूर्वर्ती गांव से, उसके पहले टिकरा भी एक घटना हुई थी, हम सब उसके लिए एक साथ एकत्रित होकर बात किए थे। एकलगुड़ेम से सिलगेर से नौजवान उसमें से बहुतेरों ने जगदलपुर कभी नहीं, वो अभी रायपुर आए हैं। वो जनता है, वो जनार्दन है, वो देश सेवा का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो ये देखने आए हैं कि बड़े बड़े अधिकारी सब ठीक नहीं कर रहे हैं। और उनको विश्वास हम लोगों ने दिलाया है कि सरकार आपकी सेवक है। और उनके मन में जो भ्रम फैलाया गया है कि शोषण का काम करती हैं, उस भय, उस भ्रम से वो दूर हो, बस्तर के अंतिम छोर तक पहुंचे।